शानदार आगाज और बड़े ऐलान के साथ सुनहरी पलटन ने प्लेऑफ्स की अपनी जगह को महफूज कर लिया है। अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है तमिल तलाईवा। जो कुछ भी है इनके पास आज दांव पर सब कुछ लगाना होगा, क्योंकि इस मुकाबले में अगर जीत का चेहरा नहीं देखे तो रास्ता यहां पर हो जाएगा बंद, वो दरवाजा हो जाएगा बंद और टॉप सिक्स में जगह बनाने का कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, जहां पर तमिल तलाईवा ने टॉस जीता है। पहली रेड करने के लिए आएंगे पुनेरी पलटन। अब कौन आएंगे असलम इनामदार, देखना होगा। हमारे दक्षिण भारत की वो एक ऐसी टीम जिसने पिछले सीजन से एक अलग ही प्रगति करी है और पिछले सीजन के प्लेऑफ्स में जगह बनाई। कोच अशन का टशन देखने को मिला है, उनका प्रभाव देखने को मिला है इस टीम के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ पुनेरी पलटन बेस्ट फॉर्म ऑफ देयर लाइफ और देखे लेकर गए वही बोनस प्लस वन पॉइंट जहां सागर को होना चाहिए था पर नहीं है। इस डिसीजन के बारे में निशान क्या कहते हैं? बोनस के साथ साथ पॉइंट भी लेकर गया असलम इनामदार और बोनस बहुत ही खूबसूरती से लेते हैं और गलती करवाई आमिर हुसैन बस्तावी से। और यहां पर नरेंद्र भी बाहर, ये बिल्कुल अच्छी शुरुआत नहीं तमिल थलाईवास के लिए। पुनेरी पलटन बिना प्रेशर के तमिल थलाईवास को आज उतरना पड़ेगा पुनेरी पलटन जैसी टीम के सामने। बहुत ही अच्छा डैश ये चेन लेकर आए थे असलम इनामदार के साथ संकेत सावंत। बिल्कुल थोड़ा स्लो डाउन करना होगा और आज पांच डिफेंडर्स के साथ खेल रही है तमिल थलाईवास, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है कि डिफेंसिव खेलने की कोशिश होगी आज। पकड़ा है यहां तमिल थलाईवास, जिंदा रखना चाहते हैं प्लेऑफ्स की दौड़ को। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। यहां तगड़ा खेल देखने को मिल रहा है, आखिरकार पॉइंट उठाया। बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव टैकल मोहम्मद रेजा का। साहिल का पैर जो है वो लॉबी में गया था, या देखना होगा क्रॉस तो हुआ नहीं है, सिर्फ टच हुआ है। रेड राउंड सुपर टैकल टू पॉइंट्स तमिल थलाईवास। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना है नामुमकिन। खाता खोलने का एक अच्छा तरीका सुपर टैकल से तमिल थलाईवास ने खाता खोला है। ऑल आउट के करीब आ गए थे लेकिन उस खतरे को बचाया है और यहां से वापसी की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल ये रेजा मोहम्मद रेजा गए थे टैकल के लिए और साहिल का सपोर्ट मिला उन्हें। बहुत ही जबरदस्त सुपर टैकल और डिफेंस देखिए तमिल थलाईवास का, इस सीजन के सेकंड रैंकिंग पे है वो। ओहो क्या एक बार फिर से तमिल थलाईवास, एक और सुपर टैकल यहां। यहां पर रेडर नंबर 20 सेम बताए गए, कहीं पर डिफेंडर से गलती हुई। इन्वॉल्व दिस स्ट्रगल, बिल्कुल आमिर हुसैन बस्तावी शायद एंड लाइन को क्रॉस कर गए वो स्ट्रगल होने के पहले, डिफेंडर को आउट दिया गया और टैकल बहुत अच्छा था। बेहतरीन बेहतरीन पर ऐसी गलती हां अफोर्ड नहीं कर सकते तमिल थलाईवास वाले आज। विशाल विशाल चहल डू और डाई रेड में क्या अपनी टीम को ऑल आउट के उस खतरे से बचा सकते हैं। बोनस लेने की कोशिश की लेकिन पुनेरी पलटन के डिफेंडर्स उन्हें बता रहे हैं कि बोनस नहीं मिला। समय बीतता जा रहा है, डू और डाई रेड है यहां। दबाव अब महसूस कर रहे होंगे जरूर विशाल चहल। कुछ ही समय बाकी है, गिर गए और रोक लिए गए। वन पॉइंट पुनेरी पलटन तमिल थलाईवास ऑल आउट के करीब एक बार फिर। बहुत ही आसानी से ये ऑल आउट किया है पुनेरी पलटन ने तमिल थलाईवास को पहले पांच मिनट के अंदर ही अंदर। टीम एक बार ऑल आउट होकर ऑल इन हो जाती है, कबड्डी में यह मौका मिलता है पर जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा। बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ खेलना होगा, अगर पुणे के पेस के साथ खेलोगे तो गलती होगी। संकेत सावंत आज हावी हो रहे, उन्हें पता है एक चैलेंज है उनके लिए, दोनों लेफ्ट राइडर है, पुनेरी पलटन हावी होकर खेलना पड़ेगा और अटैक कर रहे हैं शुरुआत से ही। इस मैच में पुणे लीड कर रही है लेकिन पिछली बार ये दोनों टीमें जब आमने सामने आए थे तो तीन पॉइंट से पुनेरी पलटन ने आखिरी रेड में, उस डिसाइडर रेड में जब असलम इनामदार एक परस्यूट के साथ गए थे वहां पर इस मैच का नतीजा निर्धारित हुआ था। और आज पुनेरी पलटन ने इस मैच को बिल्कुल भी करीब नहीं रखा इस पहले 10 मिनट में। यहां पे ईच वन पॉइंट दे दिया गया जब संकेत सावंत वो डैश खेले गए थे तो शायद वो भी कोर्ट के बाहर चले गए रेडर के साथ साथ। पहली बार बाहर किया है
कोच अशन जानते हैं कि ये कितना बड़ा शिकार है। बहुत ही अच्छा टैकल, ये कॉम्बिनेशन चेन टैकल हमें देखने मिला। आशीष आए थे चेन लेकर, बेहतरीन टैकल ये आशीष का। वन पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि आशीष भी उस होड़ में चले गए बाहर। फिर से एक बार एक ही पॉइंट बांट लिए गए दोनों ही ओर, तो पॉइंट भले ही मिल रहे हैं तमिल तलाईवास को, लेकिन इस फासले को कम नहीं कर पा रहे हैं। तमिल तलाईवास की तरफ से हिमांशु नरवा, क्या जैसे बुलिंग का मामला हो सकता है ये, क्योंकि ब्लॉक के लिए गए थे संकेत सावंत, हल्की सी जर्सी पुल वहां पे हुई। मोहित रुको, तू कर ले तमिल तलाईवास, यहां बिल्कुल चर्चा हो रही है यहां। ओ यहां पर क्लियरली ये जर्सी पुल का मामला है, रेडर को सेव दिया जाएगा। पुनेरी पंटन तो डिफेंस में 100% मार्क्स ला रही है, एक भी असफल टैकल नहीं उनका। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, तमिल तलाईवास के लिए आज करो या मरो की स्थिति, अरे करो, क्योंकि तमिल तलाईवास को अगर प्लेऑफ्स में पहुंचना है उन्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। पंकज वही थे, गए थे उस टैकल में इन पोजीशन से दौड़े। नंबर 12 प्लीज, मोमेंटम तोड़ा हिमांशु नरवाल का, बेहतरीन टैकल ये। कॉम्बिनेशन देखिए, जिस तरह से एकजुट होकर खेल रही है आज पुणे की डिफेंस। फिलहाल इस टाइम आउट के दौरान तो नहीं लाए गए नरेंद्र, बोनस का अटेम्प्ट है और यहां लेफ्ट कॉर्नर की उस कोशिश में भी वो बोनस प्लस वन पॉइंट मल्टी पॉइंट। बोनस बहुत ही बेहतरीन और गलती करवाई रेजा से, जरूरत थी नहीं, का टैकल था ही नहीं, वो मोहम्मद रेजा गए थे एंकल होल्ड के लिए। मैं माफी चाहूंगा, कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि दो दो मोहम्मद रेजा खेल रहे हैं यहां पर। एक मोहम्मद रेजा आपको पुनेरी पलटन के लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं ये देखिए, और एक और मोहम्मद रेजा जिनका पूरा नाम काबू है। मोहम्मद रेजा ही चल रहे हैं आज की रात, कहीं मोहम्मद रेजा बाहर, कहीं मोहम्मद रेजा अंदर। वन पॉइंट, बता तेरी रजा क्या है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन, शुरुआत से ही एक इंटेंट दिखाया पुणे ने, वो एग्रेसिव इंटेंट, एडवांस खेलते हैं और लाइक करते हैं अपना गेम, उन्हें पता है कि जो इंटेंट से वो खेल रहे हावी हो सकते हैं सामने वाले टीम के ऊपर। शशांक, मैं प्रीशो में आपको सुन रहा था और आपने बहुत सही बात कही थी कि मोहम्मद रजा शादलू को आप अवॉइड अगर करेंगे तो वो आप पर भारी पड़ेंगे, आप एक नंबर वन रेडर रह चुके हैं। यहां पर बहुत बढ़िया टैकल तमिल तलाईवास का, तमिल तलाईवास का डिफेंस इस सीजन का सेकंड बेस्ट डिफेंस है और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना पड़ेगा उन्हें, तो मोहम्मद रजा शादलू को सेटल ना होने दे। बिल्कुल अवॉइड कर कर खेलेंगे तो शादलू हमेशा रेडर्स पर हावी होते हैं, उन्हें वो चाहिए कि रेडर्स उन्हें अवॉइड करें और तब जाके वो उन पे वो एग्रेसिव इंटेंट दिखा पाए। मुझे लगता है कि रेडर्स ने हमेशा शादलू को जो अटैक करके खेलना चाहिए, तब जाके शादलू से गलती हो सकती है। तमिल तलाईवास जस्टिपुलिंग ग्रीन कार्ड, या आमिर हुसैन दस्तानी को एक ग्रीन कार्ड दिखाया गया है नेक होल्डिंग के लिए। ऐसे मुकाबलों का इंतजार करते हैं जहां पर रेडर्स उनसे डरे घबराए, फिर वो एक 12 कोर्स मील करते हैं, निगल जाते हैं रेडर्स को। और यहां पे तमिल तलाईवास का डिफेंस, इकलौती अच्छी चीज आज की रात तमिल तलाईवास के लिए वो है उनका डिफेंस। तमिल तलाईवास बिल्कुल डिफेंस अच्छा कर रहा है तमिल तलाईवास का। पिछले 5 मैचेस में नरेंद्र ने 4 मैचेस में सुपर 10 कमाया है, तो समझ से परे है ये जानना कि क्यों उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छा टैकल तमिल तलाईवास के डिफेंडर्स ने किया तो जरूर है, लेकिन नरेंद्र नहीं है मैट पर। और सबसे पहली बात तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हिमांशु की जरूरत से ज्यादा नरेंद्र की जरूरत है अभी टीम में, कि रेडर्स पॉइंट नहीं ला रहे तो रेडर्स कहां से पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये ही शार्दुल पे अटैक करके खेलना होगा, तब जाके पॉइंट आएंगे, शार्दुल से गलती होगी। नंबर 8 आउट, और हिमांशु ने शार्दुल को आउट किया है यहां पर, जबरदस्त जंप लगाकर बहुत ही आगे आए थे शार्दुल टैकल करने के लिए। हिमांशु आए हैं, 5 का डिफेंस है, बोनस ऑन नहीं उनके लिए, अंदर आने का न्योता दे रही है टीम उन्हें। राइट कॉर्नर लगातार उस एंकल को पकड़ने के लिए तैयार, लेकिन रोक लिए गए, बॉक्स लाइन के नजदीक टच से मस्त नहीं हो पाए हिमांशु। असल में इनामदार का था वो टैकल, बेहतरीन टैकल ये देखिए, कॉर्नर में खड़े थे संकेत सावंत के साथ, पहले इन पोजीशन से टैकल इनिशिएट करते, प्रेजेंस ऑफ माइंड
अजिंक्य पवार उन खिलाड़ियों में से एक है जो हमेशा वही करते हैं, अपना 100-200% देते हैं। आज की रात उसकी जरूरत। तो मंत्रा और रेड में पॉइंट आना बहुत जरूरी है अगर कमबैक करना है तो। यहां उठाकर अपने पक्ष में एक बार फिर से कर लिया, अपने पाले में खींच कर ले आए अजिंक्य पवार को। तो पूरा बैग दिखा बेट दिखा दे बैठे गौरव खत्री को, जिस तरह से वो टैकल इनिशिएट किया गौरव खत्री ने, टच नहीं कर पाए बॉक लाइन, इतना हावी होकर खेली पुणे की डिफेंस। यहां मैंने आज तक प्रो कबड्डी में शायद ये पहले होते हुए नहीं देखा, ऐसा हुआ होगा तो मुझे याद नहीं, जहां पर रेडर बॉक लाइन तक पार नहीं करा और बॉक लाइन पार करना भूल गया, और उसका असर इस कदर कि यहां पर तुरंत ही ऑल आउट के नजदीक आ चुके हैं अब कबिल तलाईवाज। आमिर हुसैन बस्तामी आए हैं, इकलौते खिलाड़ी जो बचे हुए हैं कि अपनी टीम को ऑल आउट के खतरे से बचा सकते हैं। 10 का आंकड़ा तक नहीं छुआ है कबिल तलाईवाज ने, 16 पॉइंट्स आगे हैं पुनेरी पलटन, और इस ऑल आउट के साथ कई अंक और मिलेंगे। बोनस ऑन है, बोनस खोल कर रखा है पुनेरी पलटन के डिफेंस ने कि बोनस ले जाए आमिर हुसैन, लेकिन उसके बाद टैकल कर लिए जाएंगे और वही हुआ, शादलू की पकड़ में आए और तलाईवाज दूसरी बार ऑल आउट होते हुए जिंदगी में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैच पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी आ सकते हैं। तो लीजिए पंगा, बिल्कुल, और पंगा लिया मोहम्मद रजा शादलू ने, पैरों में गए थे आमिर हुसैन बस्तामी के, रोका उनकी टच करने से। इसी के साथ पहले हाफ का खेल समाप्त, 18 पॉइंट से लीड कर रही है पुनेरी पलटन। रणनीति क्या है तमिल तलाईवास की, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं तमिल तलाईवास के फैंस, क्योंकि 18 पॉइंट्स आ गए हैं पुनेरी पलटन, यहां पॉइंट मिलेगा जरूर। रेड से जतिन को पॉइंट, तमिल तलाईवास नंबर सिंगल आए थे, एडवांस था वो टैकल अभिनेश नादराजन का, जतिन ने एस्केप किया एक पॉइंट लेकर, बहुत ज्यादा एडवांस कैश करने की कोशिश। प्लेड फॉर द किड्स, प्लेड फॉर योर फैंस तमिल तलाईवास, पिछले सीजन क्वालिफाई करा था इस टीम ने। ओहो हो, क्या सुंदर एस्केप मोहित गोयत का, अति सुंदर नंबर 7 आउट, बहुत ज्यादा एडवांस आने की कोशिश थी अभिषेक की, जरूरत थी ने उस टैकल की, और एस्केप ये मोहित का, डुबकी लगाकर चेन के नीचे से निकले। पूरी टीम शफल हो रही है तमिल तलाईवास की, यहां डैश आउट हो गए हैं जतिन, एम अभिषेक को बुलाया, एम अभिषेक को आपने स्टार्टिंग 7 में नहीं लिया, आशीष और रौनक के साथ उतरे, आशीष और रौनक को रिप्लेस किया, एम अभिषेक को लाए, प्लेयर्स का भी जो एक मेंटल फोकस होता है, अलग अलग रेडर्स को यहां पर ट्राई किया जा रहा है तमिल तलाईवास की ओर से, ऐसा लग रहा है कि पुनेरी पलटन जो क्वालिफाई हो गई है वो चेंजेस नहीं कर रही है, लेकिन तमिल तलाईवास इस करो या मरो के मैच में लगातार एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो उनके काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पुनेरी पलटन मिसल पाव बना रही है तमिल तलाईवास का, और मिसल की तरह मसल के रख रही है, मौका देंगे तो हावी होंगे, और वही कर रहे हैं पुनेरी पलटन, तमिल तलाईवास जो है वो पूरी तरह से मौका दे रही है पुणे को हावी होने के लिए, और यहां पे रनिंग हैंड टच, आमिर हुसैन बस्तामी पर भीग गए थे। जी बिल्कुल सत्य वचन, सेमीफाइनल तो खेलना चाहेगी पुनेरी पलटन सीधा, हालांकि पुनेरी पलटन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पोजीशन पर रहे वो ऐसे ही खेल दिखाने वाली है, वो खेल रहे हैं तमिल तलाईवास के साथ ऋषभ, खेल तो रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं भावनाओं के साथ। कॉम्बिनेशन देखिए, जब टैकल इनिशिएट करते हैं नंबर 10 मोहित गोयत ने वो एंकल होल्ड किया, और इसके बाद इन पोजीशन से जो रेडर इनिशिएट कर रहे हैं आज टैकल, पुनेरी पलटन वो बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन कार्ड जर्सी पुलिंग, एक अलग लेवल की कबड्डी दिखा रहे हैं ये हमें राज, ग्रीन कार्ड्स बट रहे हैं मेरे ख्याल से तमिल तलाईवास के पास, यहां ड्रॉप सुपर टैकल की सिचुएशन है, और प्लेऑफ्स की ये सीढ़ी आपके सामने दोस्तों, 26 फरवरी को एलिमिनेटर्स खेले जाएंगे, टॉप टू की टीमें यहां नहीं खेलेंगी, टॉप टू की टीमें खेलेंगी सीधे 28 फरवरी को। ओहो बढ़िया छलांग यहां पर पंकज मोहिते ने, मोहित कर दिया है इस छलांग के साथ,
और पुनेरी बल्टन की छलांग है टॉप टू तक आने के लिए। नंबर सेवन आउट, जबरदस्त तरीके से यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन में ये जंप अपना पूरा किया पंकज ने और फिर से एक बार ऑल आउट के नजदीक धकेल दिया है तमिल तलाईवास को। कि तमिल तलाईवास की इस वक्त क्या दुर्गति हो रही है, आसान ऑल आउट की परिस्थिति है यहाँ पर, रेस्ट होल्ड की कोशिश थी लेकिन ऑल आउट हो जाएंगे तीसरी बार तमिल तलाईवास। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, टीम ऑल आउट के बाद कबड्डी के मैच पर ऑल इन भी आ सकती है तो पंगा लेने का मौका है, लेकिन तमिल तलाईवास फिलहाल तो केवल 13 पॉइंट्स पर आकर रुक चुके हैं और 3 गुने से भी ज्यादा पॉइंट्स है पुनेरी पल्टन के। एटलीस्ट अब नरेंद्र को अंदर ले आए खेलने के लिए, कम से कम उनके फैंस के लिए, तमिल तलाईवास के कुछ रन बनाने के लिए। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। चलिए तमिल तलाईवास का डिफेंस ही कम से कम कुछ पॉइंट्स ला पा रहा है। 1 पॉइंट दूसरे हाफ में 7.5 मिनट के बाद पहला पॉइंट डिफेंस में। आज तमिल तलाईवास जो पूरे स्ट्रेंथ के साथ उतरती तो एक कड़ी टक्कर दे पाती। बहुत ही सॉलिड वो एंकल होल्ड होता है मोहम्मद रजा शादलू का और डैश आउट करने की नाकाम कोशिश। अब सिर्फ ये जानना है कि कितने पॉइंट्स, मल्टी पॉइंट रेड यहाँ। टू पॉइंट पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन अब अर्धशतक के करीब पहुंच रहे हैं। शानदार ये अंदाज पंकज मोहिते का। लूट मची है यहां और लूटा तो है मोहम्मद रजा शादलू ने। सबसे तेज 250 टैकल पॉइंट्स इतिहास में 63 मैचेस में। दोस्तों मंजीत छिल्लर उनके बाद उनका नाम शुमार है इस लिस्ट में। मंजीत छिल्लर तो एक कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं, राज भी हैं, शादलू भी एक ऑलराउंडर की श्रेणी में गिनता हूं मैं उन्हें। वो रेट पे कम जाते हैं लेकिन ग्रेट प्लेयर। नंबर 5 यहां देखिए बिल्कुल सही कार्य शांत खिलवाड़ हो रहा है तमिल तलाईवास के रेडर्स के साथ। तो रेट्स को अपने अपने कैलेंडर में आप नोट कर लें और इस बात को भी नोट कर लें कि मोहम्मद रजा शादलू ने 250 टैकल पॉइंट्स अपने पूरे कर लिए हैं पीकेएल के इतिहास के। ये मैच अगर ऐसे ही चला जिसकी काफी संभावनाएं हैं तो पहले स्थान पर फिनिश हो जाएंगे पुनेरी पल्टन और बिल्कुल होंगे क्योंकि शादलू खतरनाक फॉर्म में लग रहे हैं। पुनेरी पल्टन 251 का शगुन इनके नाम। रेडर कोशिश ही नहीं कर रहे शादलू के खिलाफ, जैसे शादलू इनिशिएट करते हैं वहां के वहां सरेंडर कर देते रेडर। तो ये वो प्रेशर है शादलू का, वो डर है शादलू का रेडर के ऊपर। पुनेरी पल्टन जो कि क्लियरली लीजिए यहां पर कम से कम एक रॉफ सुपर टैकल देखने को मिला। आज तमिल तलाईवास ने बैक टू बैक रॉफ सुपर टैकल लगाए हैं मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। चलिए कम से कम जो हम सागर और साहिल के ना होने की बात कर रहे थे शायद इनके साथ में ये मोहम्मद रजा कबू है जिन्होंने आमिर बस्तामी के साथ में मिलके ये टैकल कंप्लीट कराया। चलिए एक पॉइंट तमिल तलाईवास को और मिलेगा। 1 पॉइंट एंड बेंगलुरु बुल्स हालांकि कोशिश करेंगे कि वो सिचुएशन ना करें। इधर देखे मोहम्मद रजा शादलू क्या नहीं कर सकते। पुनेरी पल्टन नंबर 21 मल्टी पॉइंट रेड मोहम्मद रजा शादलू की ओर से जिन्होंने अपने हाई फाइव को भी पूरा किया था कुछ समय पहले। शादलू का एंकल होल्ड होने के ऊपर आजमाने की कोशिश लेकिन उन्हें पता है पैतरा इससे बाहर निकलने का। That's it. Do or die raid इसी बीच तमिल तलाईवास की ओर से एक पॉइंट मिला हिमांशु नरवाल को जिन्होंने इस मौके पर वैभव कांबले को किया बाहर। जिस किस्म के मुकाबले चल रहे हैं विशांग देवाड़िया आपके बहुत सी भविष्यवाणियां हमने सुनी है। क्या कहते हैं दो टीमें दिख रही हैं आपको? देखिए पिछले बार की दो टीमें फाइनल में होगी ऐसे मुझे लग रहा है तो मेरे तो वही प्रिडिक्शन है। जयपुर पिंक पैंथर्स आपको डेफिनेटली फाइनल में जाती नजर आ रही है। वेल द टॉप टू टीम्स जयपुर एंड पुणे फाइनल्स में आपको जगह बना सकती है लेकिन ये तो हम हिंदुस्तानी फैंस को अच्छी तरीके से मालूम है। यू नो एक तमिल फिल्म की तरह मुझे ये फिल्म ये इनकी टीम नजर आई जो शुरुआत के हाफ में थोड़ी सी पिटी लेकिन उसके बाद इंटरवल के बाद में उन्होंने जलवा दिखाया। 2 पॉइंट्स तमिल तलाईवास। पर ये जो फिल्म का क्लाइमैक्स हो रहा है दोस्तों ये उस फिल्म की तरह नहीं। हालांकि यहां पे 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे। बहुत देर हो गई आते आते
बिल्कुल बहुत ज्यादा देर हो गई और एडवांस टैकल करने गए थे पुनर्पल्टन शादलू। डू ऑर डाई रेड है ये, असलम इनामदार आए हैं, डू ऑर डाई रेड में बेहतर करते हैं जब भी बोनस ऑन रहता है। असलम इनामदार की कोशिश होती है कि राइट कॉर्नर के नीचे से वो बोनस लेकर आए, लेकिन यहाँ तमिल तलाईवास के डिफेंस ने उन्हें रोक लिया इस बार। तमिल तलाईवास, ये एक अच्छी रणनीति है असलम इनामदार को अगर टैकल करना है वहां पे फुटवर्क करके वो बोनस की ट्राई करते और तब जाके अगर भी ये डाइव किया और सामने से चेन का कॉम्बिनेशन आया तो असलम को टैकल ऐसे ही किया जा सकता है। पुनेरी पल्टन, ये ऑल आउट होती नहीं है टीम, सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। मुझे लग रहा था कि शायद एक बार पुनेरी पल्टन को ऑल आउट कर देगी तमिल तलाईवास, लेकिन वो भी ना हुआ। तो ये दादा सब पुजारी ने एंकल होल्ड किया हिमांशु नरवाल का, 5 सेकंड के अंदर रेडर को रेड करना होता है तो शायद लेट किया हुआ है वो काम लेने, इसके कारण वो टेक्निकल पॉइंट दिया गया। पुनेरी पल्टन लाए भारी, मतलब ऑल आउट होंगे नहीं हम, ये प्रण लिया है आज पुनेरी पल्टन ने। और 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं। यस प्लीज कम, व्हाट इज योर चैलेंज? बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। ओके प्लीज, टीवी एम्पायर, पुनेरी पल्टन चैलेंज, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स, आर डिसीजन बोनस प्लस 1 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। तो बोनस नहीं दिया गया है और इस बोनस के लिए रिव्यू लिया गया है, और ये गौरव खत्री थे जो कि है कॉर्नर, और उन्होंने यहाँ पर ये बोनस जो क्लेम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर बोनस है ऋषभ? बिल्कुल क्लियर बोनस है, साथ में रेजा को जाना पड़ेगा। बोनस प्लस 1 पॉइंट मिलेगा, पर ये देखना होगा कि हिमांशु ने भी इनिशिएट किया है या नहीं। यस, ओके थैंक यू। रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस प्लस 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। कैप्टन नो मोर रिव्यूज, योर रिव्यूज ओवर। कांटे की टक्कर होगी क्योंकि प्लेऑफ शुरू होंगे बहुत जल्द, और पुनेरी पल्टन लाओ भारी गेंदटाक यारों, मतलब ये तो कमाल कर डाला पुनेरी पल्टन ने, रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल, और पुनेरी पल्टन की जकड़ से बचना तो असंभव। समय से पहले मैंने कह दिया था कि शायद तमिल तलाईवास को एक ऑल आउट का तोहफा मिल जाएगा, लेकिन पुनेरी पल्टन बिल्कुल भी ऑल आउट नहीं होंगे इस सीजन में। दूसरी बार 24 टैकल पॉइंट्स अपने पूरे किए हैं पुनेरी पल्टन ने, ऐसा लगा कि यहां पर 26 हो सकता था वो, लेकिन किसी तरह बचे। 1 पॉइंट तमिल तलाईवास, और ये पॉइंट मिला तमिल तलाईवास को। लीजिए इसी के साथ पुनेरी पल्टन ने रौंद दिया तमिल तलाईवास को, और मैच ओवर, पहुंच गए हैं टॉप 2 की पोजीशन में, और कंक्रीट कर दिया है, यानी अब पुनेरी पल्टन वही रहेगी, पहले और दूसरे पायदान पे ही आपको दिखाई देगी, यानी सीधे खेलेंगी वो सेमीफाइनल्स में 28 तारीख को। और वहीं दूसरी तरफ तमिल तलाईवास ने ये मैच ना केवल अपने हाथ से गवाया, बल्कि प्लेऑफ्स की दौड़ से हो गए हैं अब वो बाहर।